शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं सब बताती हूं। मैंने देखा एक बच्चा रो रहा है। उसका बाप दारू पी पी कर मर गया। वो बच्चा अकेला घर में खड़ा रो रहा है। मैंने देखा वही बच्चा बड़ा हो गया है। बहुत से आदमी और औरतें उसके साथ हैं। वो सब किसी चर्च में खड़े हैं। बिल्कुल सच है मैडम, बिल्कुल सच है। अपन गाइड है ना, अपन का तो आजू बाजू में बहुत लोग रहता है और अपन तो चर्च रोज जाता ही चे। लेकिन मैडम अपन को बड़ा आदमी बनने का है, अपने को वर्ल्ड देखने का है। वो अपना सब पास्ट हो गया, अपने को अपना फ्यूचर बताओ। फ्यूचर मैं देख रही हूं एक शहजादी को, तुम्हारी ड्रीम गर्ल, जिसका तुम्हें आज तक इंतजार है। हल्की नीली आंखों वाली, पतली, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें अपने साथ कहीं लिए जा रही है। फौरन मैं देख रही हूं एक एयरक्राफ्ट जो बादलों से गुजर रहा है।
said the delay would be by 5 hours, but we are taking care of it. When do I reach Sonia? Flight 5 hours late है. 5 hours? Lounge में चलें? नहीं नानी, आप चलिए, मैं bookshop होकर आती हूँ. तुम कमाल के हस्बैंड हो फिरोज. वो तो मैं हूँ ही. हमारी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी और तुम मेरे को दूसरा होटल ले जा रहे हो. अरे नहीं रे, नहीं स्वीटार, हम तो तुमको अपना पुराना वही लेक साइड शैले में ले जा रहा हूँ. ओह सो स्वीट, बट तुम तो मेरे को मैरियट आइलैंड ले जा रहे हो. बराबर है स्वीटार, क्योंकि मैरियट आइलैंड में ही हमारा हनीमून का होटल है ना. हमारा होटल उधर नहीं है. अरे डार्लिंग, 25 साल के बाद तुम क्या भूल गए कि हमने हनीमून कहाँ मनाया था? लेक साइड शैले मैरियट आइलैंड में ही है. हनीमून, हनीमून वाज जस्ट ब्यूटीफुल. थैंक यू. बट फिरोज डार्लिंग, दिस टाइम यू आर रॉन्ग. नहीं, आई एम ऑलवेज राइट. नो फिरोज, आई एम द बॉस. आई नो, बट राइट. आई नो यू आर द बॉस, बट नहीं डार्लिंग, उधर ही है. नो, आई एम टेलिंग यू इट इज देयर. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मे आई? लेक साइड शैले मालगा में है. मालगा? करेक्ट, मैं तुम्हें यही बोलने वाली थी. एक मिनट, पर दिख रहा तुमको कैसे मालूम? तुम क्या मालगा में रहती हो? नो, मैं कभी मालगा नहीं गई हूँ. आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रिया, लेकिन मेरी मम्मी मालगा से थी. अच्छा. थैंक यू डियर, थैंक यू सो वेरी मच. यू वेलकम. फिरोज डार्लिंग, लेट्स गो टू मालगा. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा. योर अटेंशन प्लीज. Jet Airways flight number 315 to Malaga is ready for departure. Passengers are requested to proceed for security check. नानी, हम कहीं और चले गए तो? कहीं और मतलब? मतलब मालगा. सोनिया, तुम्हारे डैडी को पता चल गया तो? डैडी को मैं संभालूंगी, पर मालगा हम जरूर चलेंगे. सोनिया, पोटर. जी मैम साहब. अटेंशन प्लीज, फ्लाइट नंबर 315 फ्रॉम मुंबई हैज लैंडेड एट मालगा. फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज कांटेक्ट द टूरिस्ट काउंटर. टोनी गाइड, टोनी गाइड, टोनी गाइड, टोनी गाइड, टोनी गाइड. हेलो टोनी गाइड, यू वांट अ गाइड प्लीज? नो थैंक्स. Hi, you want a guide, no, please? Thank you. You want a guide, madam? No, you please. Want a guide? Hello, Tony guide, Tony guide. No, no. You want a guide? Hello, Tony guide, Tony guide, Tony guide, Tony guide, Tony guide, Tony guide. You want a guide, please? No guide, please. Then no flower, thank you. Hello, Tony guide, Tony guide, Tony guide, Tony. मैं देख रही हूँ एक शहजादी को, तुम्हारी ड्रीम गर्ल, जिसका तुम्हें आज तक इंतजार है. खूबसूरत, हल्की नीली आंखों वाली, जैसे गुलाब के पंखड़ी के अंदर से रस गिर रहा हो. तुम पोएट हो? नो, आई एम गाइड, आई एम टोनी गाइड. टोनी गाइड, हमें तुम्हारी तलाश थी. हमको भी आप ही का इंतजार था. टैक्सी प्लीज, टैक्सी. ही इज अ गाइड. इसको लेके, आई सी, आई मीन लगे लेकर आता हम. बूम बूम, कम ऑन. Yes, madam, ma'am, sir. Please, please, please come in. Please, please come in. Hi. Oh, okay, good morning. Hi. Yeah, take your tea, please. 43. Martin. Oh, hi, Tony. Hi. Kaisa hai? Hi. One sweet room, please. Lekin, wo toh khali nahi hai. Khali karao, Martin. Khali karao. You know who they are? Who? They are coming from Australia. Australia nahi. Austria. Australia ho ya Austria, auntie. Is bichare ke liye toh dono foreign hai. Cool. Khali karao. Tony, try to understand. It's very difficult for me. Hey, try to make it, man. Tony, suite nahi hai to double room chalega. Aisa kaisa, madam sahab? Jitna bada guest ho, utna bada room hona chahiye na. Kai ko commission mein hol gaya tha baap. Hey, Tony, Martin, make it, man. But why, Tony? One suite room, please. One. Tony, one more, please. Bagal mein. Martin, two keys. That's not possible.
Okay, then cool. I'm going. Tony is going. Tony. अच्छा अच्छा. अब अपुन के टोनी ने कहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा. और फिर अपुन को मालगा में भी तो रहना है. Don't worry, rate will be same. Cool. Excuse me. Yeah. Make it fast. Yes. Fill this card, please. Auntie, please. Please. Thank you so much, Tony. Don't mention not. आप ऊपर जाओ मैम सब. हम इधर नीचे संभाल लेगा. ओके. कल सुबह 10 बजे. या कल सुबह 10 बजे आपको टोनी गाइड यहीं पर इधर ही खड़ा मिलेगा. ओह शी इज राइटिंग. चलो सोनिया. ओके बाय. बाय. कूल. शी इज ब्यूटीफुल. शी इज माइंड ब्लोइंग. शी जस्ट कमीशन मैन. ओहो हिसाब बाद में कर लेंगे टोनी. तू तो घर का आदमी है यार. ए अपने को तेरा बहन के साथ शादी नहीं बनाने का है. चल हिसाब बराबर कर. बराबर कर. हिसाब ये साला टैक्स मिलाकर हुआ है 5,640 रुपया और तेरा कमीशन बनता है 644 रुपया. घर का आदमी है साला. शेंडी लगाने के लिए टोनी चला गया था क्या? ब्लडी बास्केट ऑफ लव. तुम बाजू हवा आने दो. तू सर बोला था लड़की आ गई. मैं हूँ कहा मुझे होश नहीं. मेरा दिल ये कहे करू बुम बुम. हेलो तुम बाजू. हे नीना वेयर आर यू ब्लडी बास्केट ऑफ फ्लोर. हे नीना. टोनी जैकेट उठाओ. मी यू डॉग. ये कैप क्या मैं उठाऊंगी? हे तुम है किधर? डोंकी मंकी इडियट फूल. तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ बोल रहा है किधर. आवारा 420. हाँ हुकुम चलाता है रुबाब झाड़ता है. तू है कौन? ओए नीना का बच्ची. खाना मैं सामने फिर तुमको बताता है. कपड़े मैं है किधर तुम? तू कभी कोई गिफ्ट लाया मेरे लिए? घूमने को भी नहीं ले जाता है. अपनी बीवी समझ के रखा है मुझे. आज से तेरा खाना पीना बंद. फिनिश. वरना कान पकड़ और सॉरी बोल. नीना नीना तुम मर गया. हो नीना डार्लिंग तुम बिल्ली बन गया. हो जीते जी भी बिल्ली और मरने के बाद भी बिल्ली. हो माय बिल्ली. वेयर शी इज. नीना माय डार्लिंग स्टुपिड इडियट. देख 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 मुझे मानना नहीं वरना मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगी. खाना नहीं यार हम तेरे को कच्चा चबा जाएगा कच्चा. मैं तुझे चाय भी नहीं दूंगी और तेरे कपड़े भी नहीं धोऊंगी. ठीक है मैं नौकरा नहीं रख लेगा. क्या मैं और Please, time, please, Tony. चल सॉरी बोल. मैंने ऐसे नहीं सॉरी बोल. ओके ओके सॉरी. सॉरी बोल. सॉरी टोनी. ये बिल्ली कहाँ से लाया? वो एक टूरिस्ट बेच रहा था. उसमें टेप रिकॉर्डर भी है पता है? अच्छा उसमें तुम अच्छी अच्छी बातें बोलना मैं आके सुनूंगी. तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर का पैसा खराब करने का क्या मतलब था? अच्छी अच्छी बातें तो हम तुम्हारे मुंह पर भी बोल सकता है. अच्छा तो बोल. स्टुपिड इडियट फूल डोंकी. मैं तुझे मार डालूंगी. वासु सपना फिर से मरने को गए. ओह शिट. पता है नैनी hmm? मालका आते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊंगी और वहां मुझे मम्मी मिलेगी. भाई फैलाए. जब यहां की गर्म हवा ने मुझे छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी के हाथ मुझे छू रहे हो. तुमने तो कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं फिर भी इतना प्यार करती हो. मम्मी बहुत अच्छी थी ना नानी? बहुत. फिर वो पापा के साथ ऑस्ट्रिया क्यों नहीं गई? वो अपना इंडिया नहीं छोड़ना चाहती थी. मालगा में मम्मी कहाँ रहती थी नानी? मुझे याद नहीं. तो अपना प्रॉमिस मत तोड़िए नानी. पर मुझे इतना तो बता सकती है कि मम्मी की ग्रेव कहाँ है? बोलो ना नानी. नानी ये पास नहीं है प्रेजेंट है. लोग मरते हैं यादें नहीं मरती. बोलो ना नानी. नानी प्लीज प्लीज प्लीज
नहीं सोनिया, रूम में है साली मगर आती नहीं काय को आती नहीं आती तेरा वाट लगे टोनी, तेरा वाट लगे। तू साला अक्खा दुनिया घुमाता था, ये छोकरी ने तेरे को घुमा डाला यार। साला बताओ, इस मुस्कुराहट कौन बोलेगा? ऐसा लगता है जैसे फैनी की बॉटल खुल गई। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या तबीयत पानी बराबर है? क्या बराबर है? ओ आई एम सॉरी, हम क्या लोकल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं। सॉरी, आई मीन हाउ आर यू? ओह फाइन फाइन, कुड बी बेटर। कूल कूल। आपका मम्मी नहीं है? मम्मी की तो डेथ हो गई है। यप। कल तक तो बराबर था बेचारा। वो मेरी नानी है। ओके, मम्मी का मामी है। चलो कोई तो है आपका लाइफ में, एटलीस्ट यू हैव समबडी, कोई तो है ना। नानी नहीं टोनी, नानी, मुझे बचपन से पाला है। ओके ओके, कूल कूल कूल। तो आया नहीं नीचे? नहीं, उनके पांव में दर्द है, मैं अकेली चलूंगी आज। ओके गुड गुड। मैम साहब, मैम, यहाँ का तीन चीज बहुत फेमस है, यहाँ का चर्च, यहाँ का बीच, और तीसरा आई एम सॉरी बट यहाँ का फैनी। एंड यू प्रेफर? आई वांट टू गो हियर। ओके, यू वांट टू गो हियर, इधर पर जाने का है। हमको पढ़ने को नहीं आता मैम साहब। माबेल आइलैंड टोनी। ओके ओके कूल, लेट्स गो। Hello? Sonia, my baby, I am missing you. How are you? Fine, thank you, Papa. और आप कैसे हो? Don't worry about me. I am fine, darling. तुम्हारी शॉपिंग कैसी चल रही है? तुम्हें सिंगापुर कैसा लगा? Papa? Yes, my child. मैं सिंगापुर में नहीं हूँ, मालगा में हूँ। Why? You know, I hate that place. आई नो पापा, और मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मगर फ्लाइट को मुंबई उतरना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मम्मी की जगह। गिव द फोन टू नैनी। हाँ पापा। यस सर, यस सर। सर ने कुछ दिनों के लिए मालागा में रहने की इजाजत दे दी है। खुश? ओह डियर। गुड मॉर्निंग मैडम मैम साहब। टोनी। ओके, आई बी रेडी इन अ मिनट। नो प्रॉब्लम मैडम मैम साहब, टोनी गाइड आपको कहीं भी छोड़कर जाने वाला नहीं है। क्या बताए मैडम मैम साहब, अक्का दुनिया से लोग इधर मालागा में उतरता है ना, तो उतरते ही एयरपोर्ट पे पूछता है टोनी गाइड किधर है। अक्का दुनिया टोनी गाइड को पूछता है, लेकिन टोनी गाइड आपको पूछता है। मैडम मैम साहब एक बात बोले, आज आप कल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। टू गुड। बोले तो आपका चश्मा इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसा सूट कर रहा है ना आपके ऊपर, बोले तो पूछने का नहीं। और आपका टॉप से ना, और आपका बाल उड़ रहा है ना, ऐसा ऐसा सॉलिड लग रहा है ना हवा के अंदर। अपने वो गुची का चश्मा बहुत अच्छा लगता है मैडम साहब। अपन को बोले जब भी देखो तो गुची का चश्मा ही खरीदता है।
ए क्या हो गया मेरे, ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ए तुमको सुनाई नहीं देता, गाड़ी गाड़ी रोक। टोनी, मैं कार को स्टॉप करने के लिए नहीं कह रही थी, मैं तो तुम्हें स्टॉप टॉकिंग। अरे मैडम, हम सब दुनिया का जगह जगह से लोग हमारा बात सुनने के लिए इधर आता है, तुम हमको बात करने से क्या को रोकना चाहता है? ताकि मैं भी कुछ बोल सकूं। तो बात करो ना, तुम्हारा गुलाब का पंखड़ी जैसा खूबसूरत होठ से मीठा मीठा बातों का शहद टपकने दो। दरअसल टोनी, मुझे अपनी मम्मी की ग्रेव ढूंढनी है। मम्मी का ग्रेव? यहाँ मालगा में कहा? वही तो मुझे नहीं मालूम ना। कोई बात नहीं मैडम साहब, आप अपनी मम्मी का नाम हमको बता डालो, हम ग्रेव ढूंढा लेगा। यार बालागा का नाम खराब करता है तुम लोग, क्या करता है? हाँ हाँ मैडम साहब, हाँ कब 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 What a place, beautiful. Yeah. अरे मैम साहब, सिनेमा दिल और पैरों में ताकत हो तो टोनी आपको ऐसा ऐसा लोकेशन दिखा सकता है जो आपके इमेजिनेशन के बाहर हो। Really? I promise you. तुमसे अच्छा कौन है? दिल लो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे। हाय हाय टोनी, तुम हमें पहचान लो। अब और कहाँ जाना है? काफी आगे मैडम साहब, आगे बहुत खूबसूरती है, जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ेगा उतना खूबसूरती देखेगा। सीरियसली टोनी, और कहाँ जाना है? मैडम आगे उधर ब्लू आइलैंड है। वो कहाँ है बताए? हाँ, फैंसी टी शर्ट, वाओ मालगा। मैडम देखो अपन लोग अभी इधर है। हाँ, और आपको इधर पहुंचने का है। यहाँ से वहाँ, राइट? सो गो स्ट्रेट, इट इज नॉट इजी। इधर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ तो देखो आप ट्राई करो। हम यहाँ हैं। ओके, और जाना है यहाँ। एंड कम लिटिल अप, स्ट्रेट अप, नाउ स्ट्रेट, देन बहुत डिफिकल्ट है, मोटरबोट में बैठना पड़ता है। अच्छा, मोटरबोट बहुत राइट लेफ्ट जाता है। बताए कैसे? कैसे देखो तुम ट्राई करो, अब पहले थोड़ा सा ऊपर आओ। बस नीचे नीचे नीचे, दूर जा रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट, बस टोनी राइट। और दूर जा रहे हैं। मोटर वो जाता है वैसा है। लोजा पहुंच गए। पहुंच गए, पहुंच गया ब्लू आइलैंड। ब्लू आइलैंड पहुंच गए तो चलो। हाँ तो चलो, लेट्स गो। चलो चलो। Beautiful. कैसा लग रहा है किंग प्रॉन्स? बहुत मशहूर है यहाँ का, मुंबई से गोवा से खाने के लिए आता है लोग। अच्छा, पर तुम क्यों नहीं खाते टोनी?
वो क्या है ना मैडम साहब, हम हिंदुस्तानियों का स्टाइल थोड़ा सा निराला है मैडम साहब। हम लोग को खाने से ज्यादा खिलाने में मजा आता है। हाँ देखो ना, कोई भी त्यौहार होगा ना हमारा, हम लोग बहुत खिलाते हैं। बच्चा पैदा होगा तो खाना खिलाएंगे, कोई मर जाएगा तो बुला बुला के खिलाएंगे। टोनी बोलो तो, हमारा इंडिया के अंदर है ना, भूख से बहुत कम लोग मरते हैं, ज्यादा लोग तो खिला खिला के ही मरते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो यहाँ की हर चीज अच्छी लगती है। सच्ची सच्ची बोल रहा है? क्या क्या अच्छा लगता है? खाने में बड़ा झूठ नहीं बोलेगा? मैं झूठ नहीं बोलती टोनी। देखो यहाँ की चर्चेस बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स। यहाँ के बीचेस दे फैबुलस। ऑफ कोर्स। यहाँ के लोग। और टोनी मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू मैडम साहब, थैंक यू सो मच। तुम्हारी ड्रीम गर्ल, खूबसूरत हल्की नीली आंखों वाली, मुस्कुराती हुई तुम्हारे साथ है। हम इधर बैठकर इंडिया का रेपुटेशन बना रहा है और तुम साला उधर बैठकर इंसल्ट का नया नया रसीद फाड़ फाड़ कर फेंक रहा है। देखता क्या? सॉरी बोलो। मैं सॉरी बोलूंगा? दिल तू ले जा ले जा, हाय मेरी जान तू ले जा ले जा, हाय मेरा दिल तू ले जा ले जा, हाय मेरी जान तू ले जा ले जा। हाय मेरा दिल तू ले जा ले जा, हाय मेरी जान तू ले जा ले जा। दिल तू ले जा ले जा, मौसम करे छेड़खानी
खुशबू जैसे महके महके हम दोनों हैं बहके बहके मेरा होश ले लिया तूने जाने जा हाय मेरा दिल तू ले जाने जा हाय मेरी जान तू ले जाने जा ये फैसला दिल का मुश्किल से होता है मेरा यार क्यों मेरी बात माने ना हाय मेरा दिल तू ले जाने जा जादू कोई तेरी आंखों में है देखे जिसे पागल करे थोड़ा थोड़ा पागल है तू आता जाता बादल है तू कोई भी मेरा याद ले जाने ना हाय मेरा दिल तू ले जा ले जा हाय मेरी जान तू ले जा ले जा दिल का मुश्किल से होता है मेरा यार क्यों मेरी बात माने ना हाय मेरा दिल तू ले जा ले जा अरे यार गबरू तू अक्सर ये गरम कपड़े क्यों पहनता है रा चतुर्भुज 36 बार तो बता चुका हूँ तेरे को मैं सिरसा का हूँ तो मेरे को साइकोलॉजिकल ठंड लगती है नीना टोनी कहाँ है दिखाई नहीं देता आजकल जैसे कि तेरे को मालूम ही नहीं कि टोनी गाइड है होगा अपने टूरिस्ट के साथ कहीं और कहाँ होगा अरे ना 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 सुन तो सही टूरिस्ट लोग को गाइड नहीं कर रहा वो एक छोरी है वो गाइड कर रही है उसको कल डांस कर रहा था उसके साथ तूने देखा हाँ तभी तो सड़क पर कमर में हाथ डाल के घूम रहा था उसके चल क्या हो गया चल उठ अभी तो 11 भी नहीं बजे तू उठेगा नहीं ना तो तेरे 12 बजा दूंगी समझा ओनीना देख ले मैं ना तेरे से घना इश्क करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ टोनी का चक्कर छोड़ दे मेरे से ब्याह कर ले टोनी तेरे हाथ नहीं आने वाला नीना विल यू प्लीज गेट आउट है जी गेट आउट देख ले मारती क्यों है मैं भी किसी का बच्चा हूं इडियट हु लेट द डॉग आउट हु 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 नीना नीना फोड़ दला व्हाट लगा डाला अरे नीना यार नया मेड़ा मैम साहब आई लाना शीज टू गुड यार तू उसे मिलेगी तो एकदम खुश हो जाएगी और सबसे बड़ा हाईलाइट उसके अंदर है कि वो गुस्सा ही नहीं करती है इतने ब्यूटीफुल होकर भी गुस्सा नहीं करती है और आज तो उसने कमाल कर दिया हमको रहने के लिए ऑफर किया और अपन ने भी ऐसा दो हाथ मारा उसको फ्लैट कर डाला ए तूने मेरा खाना बना लिया कि नहीं तेरा खाना टेबल पर रख दिया वेरी गुड अगर तू नहीं होता तो हमारे खाने पीने का क्या होता नीना माय बेबी थैंक यू वेरी मच नीना ऐसे तो साला फालतू दिखती है लेकिन लड़की बहुत काम की अरे डारे 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 नीना, ये क्या गंदा फेंक इसको पानी पिला पानी पिला नीना नीना
मैं पानी नहीं दूंगी। पानी दे, पहले बता तेरा मेम साहब के साथ चक्कर क्या है? क्या चक्कर क्या है? मेरे गिराएंगे वो। और क्या? नीना, कपड़े मैं धोऊंगी, खाना मैं बनाऊंगी और तू जाएगा डांस करने मेम साहब के साथ। डांस करने में क्या है? पानी, इज्जत, पानी, मैं नहीं दूंगी। हिचकी ले लेके मर जा, मैं नहीं दूंगी पानी। डाय, ओके? इडियट, प्लीज नीना, प्लीज नीना, प्लीज। तू समझ क्या है अपने आप को? स्टूपिड इडियट, यू ब्लडी बास्केट ऑफ फ्लावर। छोड़, छोड़ कर, छोड़ दे मुझे। ये टोनी, देख हाल की लियो, मैं मार डालूंगी तुझे। हशा बुशा, ऑल फेल डाउन। कितनी शांति है यहाँ। तुम लोग कितने लकी हो, लाइफ में एक भी परेशानी नहीं। व्हाट लकी, क्या दो दो परेशानी है, क्या बात करता है मैडम साहब। अच्छा? और नहीं तो क्या। अरे कल रात को आखिरी रात सोने को नहीं मिला मालूम क्यों? और अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचता तो दोनों कपल सुसाइड कर डालता। कौन? वो वासु और सपना, धमाल दोस्त थे अपना। झक्कास प्यार करता है एक दूसरे को, मगर मदर और फादर विलन बन गया, मिलने ही नहीं देता है दो प्रेमियों को। और जब भी वो इस दुनिया से निकल कर दूसरी दुनिया में जाने का सोचता है ना, तो बस ये जालिम दुनिया उनको जीने नहीं देता है और गॉड उनको मरने नहीं देता है। मगर लवर्स, लवर्स लोग किसी के हाथ में आता किधर है? लवर्स तो मरने का ही ट्राई करता है ना सीरम मैम साहब। टोनी, और वो वासु और सपना का भी ऐसा ही हुआ मैम साहब। वो है ना वासु, साला किसी के पास सुनने को तैयार नहीं, और वो सीधा चिल्ला रहा है पब्लिक को, अलविदा अलविदा, हम जा रहे हैं दुनिया से। टोनी प्लीज, अरे तुम गिर जाओगे। अरे इसको समझा रहा था लेकिन वो हमारा बात ना मान रहा था। अरे इसी तरह से हमने उसको रिक्वेस्ट किया, उसने कहा सुना। अरे अपन भी उसको प्लीज प्लीज बोलता रहा लेकिन हमारा बात सुना क्या? टोनी, गॉड क्राइस्ट हेल्प, पानी, दैट शुड हेल्प। बहुत गंदा है, मिनरल मिनरल, मैडम साहब मिनरल वाटर यूज करो, ये बहुत गंदा पानी है। यू रास्कल। सॉरी फॉर लाइंग। हे, गुड मॉर्निंग मैडम साहब। हे, गुड मॉर्निंग टोनी। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम साहब। चले? हाँ चलो, लेकिन वो आपको चार पहिया वाला गाड़ी आया नहीं अभी तक। ओह, तो क्या हुआ, इस पे चलते हैं? हाँ, मेरे बाइक पे बैठेगा? या वो कौन है? कौन है? लेट गो। ओके मैडम साहब, पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। यू आर राइट, श्योर। मैडम साहब, हम आपको दो कलाक के अंदर, और दो कलाक बोल रहा है ना, तो दो कलाक के अंदर हम पूरा मालगा घुमाएगा। अच्छा, क्या बात है मैडम साहब, बहुत स्वीट लग रहा है, कोई खास रीजन है क्या? आज मेरा बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैन। थैंक यू। ओह स्वीट, कितने साल का हो गया? 8 टोनी, लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते। लेकिन छुपाने लायक तुम्हारा उम्र लगता नहीं है मैम। वेरी चार्मिंग। हां ठीक है, बताती हूं, 24। देखा बोला ना, 24 होगा। चलो जुबली में एक काम। या कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट मैन। श्योर, कम ऑन, ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लियोन मैम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इट्स अ बर्थडे, इट्स अ बर्थडे, लेगा लेगा ले होला बर्थ, हैप्पी बर्थडे। गॉड, कितना 24 हो गया, 24 हो गया कि नहीं हुआ, 24 हुआ। Finally, Tony. One for good luck. Oh, happy no, birthday Tony. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sonia. Papa? Papa? Happy birthday, my darling Sonia. I am missing you terribly. I am eating a birthday cake. May God give you a long life. Sonia, ये कैसेट तुम्हारे पापा ने वियना से भेजा है। कहा था जैसे ही तुम आओ इसे ऑन कर देना।
तो नीना अल्टीमेटली ना गुड नाइट। थैंक यू गबरू, तुम बहुत अच्छे हो। रनीना मेरे अंदर तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं तेरे को आई लव यू बोल दूं, तो आई लव यू। अबे ओए झिंगे की औलाद, तू क्या आधे शहर की लड़कियों को आई लव यू बोलता फिरता रहे? तू समझता है क्या अपने आप को? कभी थोड़ा देखा क्या तूने अपना? अबे तू क्यों जेलस हो रहा है? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है? अरे तू मेरी गर्लफ्रेंड के माफी खो भी नहीं सकती है। कभी थोड़ा देखा है क्या अपना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने बोमबिल मछली को स्टाइलिश कपड़ा पहना डाला हो। क्या? मैं बोमबिल मछली और वो तेरी मैडम मेम साहब जिसे आजकल तू घुमा रहा है, वो बड़ी जलपरी है ना? जलपरी नहीं तो क्या है वो? कितनी ब्यूटीफुल, कभी देखा है क्या उसको? उसकी आईज देखिए क्या कितनी ब्यूटीफुल है, क्या उसकी हेयर स्टाइल है, बॉडी क्या स्मेल मारता है उसका, दो दो कलाक नाती है, प्रिंसेस है वो, प्रिंसेस। अरे जाजा बहुत देखी तेरी राजकुमारी। अरे देखी नहीं, तू देख देख फोटो खींच के लाया हूँ, उसके साथ डांस कर रहा था, देख फोटो देख। चल हट, नहीं देखनी तेरी फोटो। तो रानी ना देख ले, अब मेरे को गुस्सा आ रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तू यही रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। अबे ओए डेढ़ छाने की औलाद, तू निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी तंगड़ी काट के गले के अंदर टाई बना देगा। देख ले टोनी, देख ले मैं भी किसी का बच्चा हूँ, देख ले। तू बच्चा बच्चा बोल के आधे शहर की लड़कियों के बच्चे का बाप बन जाएगा। तू निकल, तेरी जात का मारो। टोनी, तू निकल, मैं बोल रहा हूँ निकल, निकल। आएगो चल, बड़ा राजकुमार समझता है अपने आपको, कट्टर के पानी में कभी मुंह देखा है अपना? चल निकल। समंथा फॉक्स समझती है अपने आप, इडियट, उसको लगता है ये ब्यूटीफुल। चल मैडम मेम साहब की, तुम्हें सही लड़का नहीं मिलता इसको। टोनी, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है? तेरे पास क्या नहीं है? तेरे पास हिम्मत नहीं। मुझसे प्यार करती मगर आज तक भूल नहीं सकी। अगर तेरी जगह मैडम हम सब मुझसे प्यार करती होती ना, तो मेरे सामने नहीं अखा दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करती, नाचती गाती झूमती शोर मचाती। मालूम है क्यों? क्योंकि वो तेरी तरह अपने सर के ऊपर लाल शर्म की चुनरी ओढ़े नहीं फिरती, समझी? टोनी, नीना, आई लव यू। सर से सरक गई तेरी चुनरी हो, सर से सरक गई तेरी चुनरी हो, मुझसे लिपट गई तेरी चुनरी हो। चल गया तेरे प्यार का जादू, दिल पे रहा ना मेरा काबू। ओ ओ ओ ओ, ओ। सर से सरक गई मेरी चुनरी, लिपट गई मेरी चुनरी, चल गया तेरे प्यार का जादू, दिल पे रहा ना मेरा काबू। सर से हाँ सरक गई तेरी चुनरी। जाने कब तूने करार छीना, मैंने कुछ भी न जाना, चुरा के मेरी रातों की नींद तूने कर दिया है दीवाना। मेरी नजर न हटी है एक पल तुझ पे जो ठहरी, देखो न
पागल गया तेरे प्यार का जादू, दिल पे रहा ना मेरा काबू, हो 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 सर से सरक गई तेरी चुनरी। सरक गई तेरी चुनरी, हो मुझसे हाँ लिपट गई तेरी चुनरी। सरक गई तेरी चुनरी। मैम साहब, हाँ, ये है मालगा का ग्रैंड बीच। यहाँ पर बोटिंग, यॉटिंग, रोइंग, रोमांसिंग बहुत कुछ चलता है। अरे ए छोड़, अबे छोड़, अरे छोड़। हे, व्हाट आर यू डूइंग मैडम मैम साहब? बाइक चलाऊंगी। बाइक चलाएगा? हाँ। तुम पहले कभी चला? नहीं, पर आज पहली बार चलाऊंगी। अरे ऐसा मत करो, काहे को ट्राई करता है? बट इट्स अ रियली नाइस बाइक टोनी। नो नो नो, इट्स रिस्की। रिस्क मत लो मैडम मैम साहब। हां हां, वो लाइफ का भी रिस्क होएगा, बाइक का भी रिस्क होएगा। अभी 6 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है, अपना पहले ही कुछ हो गया तो लफड़ा। तो क्या हुआ टोनी, मुझे सिखाओ ना। हाँ, हम सिखाएंगे। क्विक क्विक क्विक, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। हम सिखाएगा। आई डोंट माइंड। ओके, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे मैडम, या थोड़ा सा पैर ऊपर, पैर हाँ, दूसरा पैर भी ऊपर। ओके ओके, चल मूव, एक मिनट, ये किधर है? किधर है? ओके, वी आर मूविंग। I'm sorry. ये क्या हो गया? ये बाइक तो मर गया। रुक क्यों गई? पेट्रोल खत्म हो गया ना मैडम मैम साहब। अब क्या होगा? अब दो ही चीज हो सकता है। नंबर वन, हम लोग दोनों मिलकर गाना गाए, और नंबर टू, एक टूटे से झोपड़े में जाकर आग तापे। वो हिंदी पिक्चर में दिखा था ना। Cut it out, टोनी। चल जाकर किसी से लिफ्ट मांगते हैं। Come on, let's go. Come on, टोनी। मैडम साहब, एक मिनट, बाइक Leave it, man. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, whatever chances, will be straight love before the night is through. Hey, क्या कर रहा है? होटल में बैलगाड़ी लाता है? होटल में बैलगाड़ी लाना मना है? अरे होटल में बैलगाड़ी लाना मना है, बाइक लाना तो मना नहीं है ना? ये 5-star होटल है, यहाँ बैलगाड़ी लाना मना है।
अरे मालूम है, सुन लिया यार, लेकिन ये बाइक लाना मना नहीं है ना। बाइक ला सकते हैं। हाँ तो बाइक तो लाया है, पर ये तो बैलगाड़ी है। अरे ये तो बाइक है। टोनी तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कौन कंफ्यूज? इसको पकड़ो, इसने हमारी सोनिया को किडनैप किया है। ए, क्या बात करता है नैनी, तुम क्या बात करता है? देखो हमारी सोनिया को वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ये क्या रामसेगा पिक्चर के माफिक तुम मेरे गले के पीछे पड़ गए? देखो उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। मालूम है 70 नहीं तो 80 साल का होगा वो। स्टूपिड, वो राजकुमारी है, राजकुमारी। अपना हाथ का पोजीशन ठीक करेगा तुम? पोजीशन ठीक करेगा तुम प्लीज? तुम्हारा राजकुमारी है ना, वो घास के अंदर बैठकर घुर्राटा ले रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हे तू भी क्या हमारा पीछे पड़ गया? इतने साल का रेपुटेशन के अंदर पॉल्यूशन कर दिया ना तुम लोग। सोनिया बेटी, सोनिया बेटी उठो, कम आओ आओ। नैनी उठो, सोनिया पहुंच गए। क्या करता है तुम लोग? हां इज्जत कैसा बैंड बजाने का तुम लोग ने। थैंक यू टोनी, ये दिन हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें थैंक यू का क्या बात है मैडम साहब, ये दिन तो अपन भी कभी नहीं भूलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। टोनी, टोनी, कल से आने की जरूरत नहीं, हम दूसरा गाइड करेंगे। पर नैनी, नैनी, साला एक बात समझ में नहीं आया आज तक, ये हर फूल के साथ में एक काटा कैसे होता है? काटा है ये, बहुत बड़ा काटा है। नसीब ही खराब है यार, कुछ लफड़ा लगता है। साला सुबह से अपन भी जाल डालकर बैठा, एक बच्ची नहीं लगा, तेरा पूरा बास्केट भर गया। खराब नसीब है। हमेशा जब भी टोनी ने सोचा है ना उसके लाइफ में कुछ होने जा रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है, बस कुछ लफड़ा हो जाता है। अब क्या लफड़ा हो गया टोनी, किस चक्कर में फंसा है तू? अरे तू जाना इधर उधर की मैं सोच यार, ये नैनी है ना, नानी वो मैडम सब का है ना, क्या रात को आड़ा तेड़ा कुछ भी सुनाने लगा हमको यार। हम तो जा रहे नहीं वाला, हम बोला गाइड चेंज करना है तो कर डालो जाओ, हम तो मैडम सब से भी बात नहीं करेगा। सच? अरे नहीं। बोल, गॉड प्रॉमिस। अरे क्या यार, आई स्वेर ऑन यू यार, आई चैलेंज यार, आई तो विल नेवर टॉक टू हर यार। यस मैडम साहब, आई गो, आई गो। कभी आया तुम? हाउ कम यू हैव कम? बस तुमसे मिलने आ गई। हाउ आर यू? जो नाराज है उसे मनाना जरूरी है ना। कौन नाराज है तुमसे? कौन बोला? हम कभी नाराज हो सकते हैं क्या तुमसे? क्या बात करता है? अरे हमको मरना है क्या? हाँ अपने को मरने का क्या टोनी को? हाँ वो बोलते हैं ना अपनों से कैसी नाराजगी। मैडम साहब ये नीना है, नीना ये मैडम मैम साहब है। हाय नीना। हाय। डोंट माइंड, शी हैज नो माइंड। ए टोनी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। सुन सुन क्या बोलती, सुन सुन। लेकिन टोनी आपके बारे में कभी बात नहीं करता। लायर, सच अ बिग लायर शिट। टोनी, टोनी, डोंट वरी। अरे मैडम हम सब 24 कलाक हम आपके बारे में टेंशन लेते रहता है। आप सच बताओ आपने सुबह से नाश्ता किया कि नहीं किया? हाँ। लंच खाया? हाँ। नाइट फूड खाया ना? He worries so much. I have to ना। मिल्क बरबर पिया? हाँ? Yeah. हाँ? बरबर खाया ना? हाँ। मैडम साहब मालगा के अंदर बहुत टेंशन है, यहाँ पर ऐसा भोला वाला चेहरा लेकर उसके अंदर करप्ट माइंड घुसा कर बहुत लोग घूमता है। ये शायद अपनी बात कर रहा है। देखा हमारा कंपनी में बात करना सीख गया, बड़ा बड़ा बात करता आजकल। मैडम आपको सच्ची बताएं? हाँ। हमको सिर्फ दो आदमी का टेंशन है, यू डोंट माइंड ना? नो। एक नीना और दूसरा तुम्हारा नानी, यू डोंट माइंड? नो ऑफ कोर्स नॉट। सी यू नीना। आई तो हैव टू सी हर ना, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माय लाइफ। कम कम। अ टेंपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, द सिंबल ऑफ लव। कम चलो। ये क्या है? This is total surrender. Oh. Now Sashtang. अच्छा? आप बाद में करना मैम साहब। Why Tony? बाद में करना मैम साहब।
बाद में जब साड़ी पहन के आएगा ना तो करना। यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन राइट। सॉरी एंड नाउ दिस इज प्रसाद। ओह थैंक यू। मैडम एम साहब। टोनी। मैडम एम साहब। हाय। आई गो। इट्स वेरी बैड। व्हाट? नॉट डन। व्हाट? वेरी बैड। हमको तुम्हारे साथ बात ही नहीं करने का है। व्हाई? अपन को तुमसे बात ही नहीं करने का है। बट व्हाई टोनी? अरे हम तुमको ढूंढने के लिए किधर नहीं गया? जमीन आसमान पाताल सब एक कड़ा मालूम है। चर्च गया, टेंपल गया, मार्केट गया, हर जगह गया। पूछा मैम साहब किधर है, बोले मालूम ही नहीं। बट टोनी मैं मालगा में। मालगा में तुम्हारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम राइट लेफ्ट हो जाएगा। अरे पब्लिक तुमको कुछ नहीं बोलेगा, सब हम पर थूकेगा, बोलेगा टोनी का गिराग रस्ते लग गया, हमारे नाम का बोमा बम हो जाएगा। बट टोनी मैं मालगा में कहाँ रहती? बीच पर गई थी। तो बीच पर अकेले नहीं जाने का ना, हमको साथ लेके जाने का। ठीक है, आइंदा याद रखूंगी। ये लो। वेरी बैड। प्रेजेंट टोनी। प्रेजेंट? ओ हमारे लिए? यूं ही। महंगा है क्या? मैंने ये नहीं पूछा, बोलो पसंद आया कि नहीं। लाइक कितना टोनी? 6000 रुपए में। ये एक स्कार्फ तुमको 6000 रुपए में कौन चुका? ये सब छोड़ो, पहन के दिखाओ। 6000 रुपए में एक स्कार्फ? आई गो इतने में तो पूरा, ये तो पहनने को भी तकलीफ हो रहा है। 6000? ऐसे नहीं, अगर तुम इसे ऐसे पहनोगे ना तो और स्मार्ट लगोगे। सर जरा ऊपर करना। You looking so good. एक बात बोले मैम साहब, आज तक अपन को ऐसा प्रेजेंट कोई दिया नहीं। 6000 रुपए। But you looking handsome. So cute. प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला मैं दीवाना। है बड़ा पागल न तूने इतना जाना, तू अलबेला तू मस्ताना। प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला मैं दीवाना। है बड़ा पागल तूने इतना जाना, तू अलबेला तू मस्ताना। अरे प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला मैं दीवाना। अब तक अनजाना, मैं अलबेला मैं दीवाना। है बड़ा पागल ना तूने इतना जाना। धड़कनों पे कैसा जादू डाला, झूमने लगा है मेरा मन।
बेगाना मैं अलबेला मैं दीवाना जादू से तो था अब तक अनजाना मैं अलबेला मैं दीवाना हाँ तू अलबेला तू मस्ताना मैं अलबेला मैं दीवाना मैडम साहब हम ऐसा सॉलिड न्यूज लेकर आए ना आप सुनेगा तो आपका दिल खुश हो नहीं कभी आप सैड तो नहीं हो जाएगा क्यों क्या हुआ नहीं वो हम आपके मदर का ग्रिफ का पता लगाया ना आप सैड तो नहीं हो जाएगा आप चलेगा मैडम भीम साहब अपना तरफ से कितना खूबसूरत सनसेट है और आप कितना उदास मेरे ख्याल से अगर आप एक बार मुस्कुराकर सूरज को देख लेगा तो वो भी जाते जाते रुक जाएगा तुम फ्लर्ट करना बहुत अच्छी तरह जानते नहीं मैडम मैम सब हम सच बोलता है अगर बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार मुस्कुराकर देख लो ना आज हंसने और मुस्कुराने को दिल नहीं करता क्यों मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया अब मुझे जाना होगा आप चला जाएगा मैडम मैम साहब अब रहने का कोई रीजन ही नहीं रहा तुम बहुत याद आओगे टोनी चलो मैं तुम्हारा एक फोटो खींच लेती हूँ आज जाकर खड़ी हो जाओ वहां पे कम ऑन गो Thank you.
How are you? Hello, Mr. Prem Arya. He's Mr. Khan, Indian ambassador. खैर वैसे शेड्यूल क्या है? प्रोग्राम तो कल है। वैसे आज शाम को गवर्नर हाइंस के घर में पार्टी है। गवर्नर हाइंस? ये वही है जो हिंदुस्तान में ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर बनकर आए थे? जी। मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। इज इट पॉसिबल? मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा। वैसे वो इंटरव्यू तो किसी को देते नहीं है, और खास करके इंडियन जर्नलिस्ट को। एनीवे यू डोंट वरी, मैं बात करूंगा उनसे। ग्रेट। Good morning, Herr Prem Arya. Good morning, sir. How do you do? Thank you for giving me an appointment, sir. An Indian on time? Ek Hindustani waqt par aa gaya, hairat hui hame. Hindustani log waqt se aage badh jaane ki taaqat rakhte hain, sir. Very good. Jawab acha hai. Are you comfortable? Absolutely, sir. Thank you so much. To, puchhe sawal? Excuse me. Sir, aap Hindustan mein kitne saal rahe hain? 8 साल। कैसे लगा हिंदुस्तान आपको? बहुत खूबसूरत। याद आती है हिंदुस्तान की? हम इंडिया को कभी नहीं भूल सके। तो फिर क्या वजह है कि आप हिंदुस्तान दोबारा नहीं गए, जबकि हिंदुस्तान से रिश्ता है आपका? रिश्ता? क्या रिश्ता? हम समझे नहीं आपकी बात। आपने एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट से शादी की थी जिससे एक बेटी है आपकी? हमारे पढ़ने वाले ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं। वो आपके और आपके हिंदुस्तानी धर्मपत्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नहीं है प्रेम, आप ऐसे पर्सनल सवाल हमसे नहीं पूछ सकते। I'm sorry. कम से कम ये तो बता दीजिए कि मिसेस हाइंस के बाद आपने दोबारा शादी की? नहीं जी, नहीं। और अब शादी करने की उम्र भी नहीं रही। पापा, I know you do not want to be disturbed, but आपके लिए British High Commission से बहुत important call है। Okay, darling. Hi. Excuse me, Herr Prem. Thank you very much, sir. I will be back. Miss Hines. Huh? Excuse me. Please. मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ। बहुत सारे चेहरे मैंने अपने कैमरा में कैद किए हैं। मगर आप जैसा perfect face आज तक नहीं देखा। Journalists लोग बहुत कम सच बोलते हैं। मैं अपने प्रोफेशन की कसम खाने को तैयार हूँ। तो मैं बिलीव करने को तैयार हूँ। क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? नो फोटोग्राफ्स, सॉरी। Give me the roll. ये फोटोज कहाँ से आ गए? तुमने तो सारे रोल सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दिए थे मेरे सामने। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को गलत रोल दिए थे। एनीवेज, अच्छे हैं, स्पेशली दिस वन। ओह, यू लाइक दिस? आपकी कहानी के साथ इसे छापूंगा। मेरी कहानी? कौन सी कहानी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनाई। अब सुनाओगी ना? व्हाई? एन इंटरव्यू? My father will kill me. इस कहानी के बाद आप जरूर इमॉर्टल हो जाएंगी। After the story, you'll definitely be immortal. You're right. Sure.
किसी का, प्यार शायद है नाम इसी का। कैसा आलम है ये बेखुदी का, प्यार शायद है नाम इसी का। दिल हमारा हुआ है किसी का। किसी का प्यार शायद है नाम इसी का। दिल हमारा हुआ है किसी का। दिल हमारा हुआ है किसी का। ड्राइवर, लेट्स गो। मैं तुम्हें एक हिंदुस्तानी से शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता। हिंदुस्तानी धोखेबाज, झूठे और फरेबी होते हैं। धोखे में आकर मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। नेवर। मगर आप हिंदुस्तानियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरी माँ भी तो हिंदुस्तानी थी। अगर वो इतने बुरे होते हैं तो आपने मम्मी से शादी क्यों की? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मगर मैं सुनना चाहती हूँ, वो बात जानना चाहती हूँ जो आज तक मुझे बताई नहीं गई। इसलिए नहीं बताया माय डार्लिंग कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा करना चाहता था, तुम्हारे दिमाग पर सोच का बोझ नहीं डालना चाहता था। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ पापा, इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मेरी हिंदुस्तानी माँ का क्या जुर्म था। ठीक है, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ, फिर फैसला तुम खुद कर लेना। जब मैं इंडिया में एम्बेसडर था तो वहां मुझे तुम्हारी माँ मिली। वो एक जर्नलिस्ट थी, मालगा में रहती थी। हमने अपना हनीमून भी मालगा ही में मनाया। फिर वो मेरे साथ वियना चली आई, मगर एक दिन अचानक उसने कहा कि वो वापस मालगा जाना चाहती है और मुझे और अपनी एक साल की बेटी को छोड़कर चली गई। मैंने फोन किए, लेटर्स लिखे, मगर उसने वापस आना मंजूर नहीं किया। मैं कल्प्रिट हो सकता हूं, मगर एक साल की बेटी तो मुजरिम नहीं हो सकती। उसने तुम्हें किस बात की सजा दी यह मुझे आज भी नहीं मालूम। एक छोटी सी बच्ची को पालकर बड़ा करने वाले का अगर कोई हक नहीं है तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जब तुम्हारी मां मुझे छोड़कर चली गई थी तो मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम थी, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी। मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूं सर। हाउ डेयर यू इंडियन सर, योर डॉटर लव्स दिस इंडियन। मैंने सोचा था कि तुम एक डिसेंट आदमी होगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया, मगर तुम तो मेरी डिसेंसी में कमी सिर्फ इस बात से आगे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। नाइन, नो वे इज माय डॉटर गोइंग टू मैरी यू। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, बस। अगर आपका एतराज ना हो तो मैं सोनिया के मुंह से ही सुनना चाहूंगा। फ्राउलाइन,
सेंट सोनिया इन। You Prem, but my father, उन्हें जरूरत है मेरी। मम्मी उन्हें छोड़कर चली गई थी, वापस नहीं आई। उनका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची? क्या हक है तुम्हें मेरा दिल तोड़ने का? जवाब दो, क्यों आई मेरी जिंदगी में? अच्छा खासा जी रहा था, क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों आई? Are you listening to me? सुन रही हो तो मुझे? टोनी, नीना बोला नाम को खाना नहीं खाने का है। टोनी, हाय। अरे मैडम मेम साहब, हमको तो लगा था कि आप अभी तक चला गया होगा। हाँ मैं जा ही रही थी, लेकिन किसी ने मेरे पाँव रोक लिए। हमको मालूम है मैडम मेम साहब, तुम्हारा पाँव किसने रोक लिया? किसने टोनी? बोले तुम्हारा दिल ने। तुम जा रहा था, तुम्हारा दिल में से जोर से आवाज आया, रुक जाओ, कहीं मत जाओ, जो तुमको यहां मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। राइट मैडम मैम साहब? हाँ टोनी, ट्रू लव जिंदगी में एक ही बार मिलता है, उसे खोना नहीं चाहिए। यस मैडम मैम साहब, यू आर राइट। कांग्रेचुलेशंस टोनी, कांग्रेचुलेशंस। मैडम मैम साहब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो, ऊपर वाले ने तुम्हारा सुन लिया। टोनी, हाँ। ये आर्टिकल क्या बता मैडम मैम साहब, आजकल बड़ा बड़ा पेपर के अंदर छोटा छोटा फोटो अपना भी छपने लगा है। क्या बोलेगा? प्रेम आर्य आप उनका बहुत खास दोस्त है। ये कहाँ रहते हैं? रहता नहीं है, आता जाता रहता है, लेकिन एक बार उसको मिलो मैडम मैम साहब, बहुत कमाल का आदमी है, ऐसा आर्टिकल लिखेगा तुम उसको अपने लाइफ के बारे में। मुझे मिला सकते हो? मिला सकते हो? मिला दिया, मिला दिया। प्रेम भाई, hey, आज तो अपन को तुमसे खुल के बात करने का है। टोनी, what are you doing? अच्छा ठीक है, क्या? अपना हाथ निकालो। कौन सा? राइट वाला। क्या हाथ है बाप, क्या हाथ है। अरे टोनी जैसा 525 लोग दुनिया में पैदा होंगे और चले जाएंगे, कोई पूछता नहीं साला, लेकिन इस हाथ ने जब से लिख दिया तब से अपना भाई बन गया है। अरे साला सब आर्टिकल पढ़ता तो मैड हो जाता है मैन। टोनी बॉय, ये आर्टिकल मैंने 8 महीने पहले लिखा था, तुमने मुझे 16 बार थैंक यू बोल दिया, आज क्या इंपॉर्टेंट बात हुई? अरे आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट बात हो गया ना। वो मैडम साहब है ना, आज अपन का घर आया था। कौन मैम साहब? मैडम मैम साहब। अरे क्या ब्यूटी है मालूम है, अक्का फॉरेन में भी ऐसा ब्यूटी नहीं मिलेगा। वो क्या है ना मैडम मैम साहब, मेरे घर आया था ना, तो क्या है आपका आर्टिकल पढ़ा, तो मैं तो अपने घर के झोपड़े के वॉल पर लगा के रखा है ना आपका आर्टिकल, तो बहुत तारीफ कर रहा था। और क्या आर्टिकल लिखा है, क्या लिखा है? मैं बोला क्या लिखा है, जिसने लिखा उसको दिखा डालता हूँ, मिला डालता हूँ, ऐसी क्या बड़ी बात है। क्या नाम है उस मैम साहब का? साला अपुन भी कमाल का आदमी, अभी तक नाम भी नहीं पूछा। खैर छोड़ो ना साहब, नाम में क्या रखा है, अभी रोज का नाम बदल दोगे तो क्या रोज रोज नहीं रहेगा क्या? Very nice. इतनी तारीफ कर रहे हो मतलब कि कुछ तुम्हारा हो गया है, हाँ? Right? क्या साहब उनका स्टेटस का, अपना स्टेटस का, अपना जमी नहीं सकता ना। अभी ये सूरज और चांद रोज अपना घर के मटके में दिखाई देता है, मगर वो दिखता है, वो होता थोड़ी है, दिखता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। तो साहब आज
ओके ना, रेस्टोरेंट में आ जाओ ना। नहीं, वो मैं बोला, वो क्या है ना, इतना तारीफ करा था आपका तो मैं बोला कि मिला डालता हूँ, तो मिल लो, थोड़ा अपना भी रह जाएगा, थोड़ा इज्जत मेरे लिए। ओके ओके, 4:30 बजे। ओके 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 ओके, प्लीज। अरे टोनी, 1 मिनट। जल्दी बोलो मैम साहब, अच्छी बात ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहिए, तबीयत खराब हो जाता है। टोनी ये रख लो। ये क्या है? रख लो। नहीं मैम साहब, हम आपसे फीस नहीं लेगा। क्या है कि हमेशा पेट के लिए काम नहीं करना चाहिए ना, कभी कभी टोनी दिल के लिए भी काम करता है। पर टोनी ये फीस नहीं है। तो फिर ये क्या है? होटल में बिल तुम देना, ठीक है? Come on. Okay, okay, cool. I got it. यानी कि मर्द जब साथ में हो तो औरतों को पर्स नहीं खोलना चाहिए, right? Right. Okay, let's move. Let's go. Cool. Yeah, 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 yeah. I love you more than I can say. I love you just tomorrow, yeah, yeah. I love you to make it easy. Hey, Tony. Hi, Prem. How are Hi. you? Happening, man. Happening, happening, man. You are happening. Happening, yeah. क्या प्रेम भाई, चक्कर खा गए ना? अरे आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि सामने कौन आने वाला है। अरे अपना मैडम एम साहब, हाई चितना ब्यूटीफुल मैडम एम साहब, प्रेम भाई मैडम एम साहब। हाय प्रेम। हाउ आर यू सोनिया? अलाइव। प्रेम भाई, आप मैडम एम साहब को कैसे पहचानता है? वियना से आने वाले जर्नलिस्ट ने बताया था। अपन जरा ऑर्डर दे गया था, एक मिनट, इसका सूट बहुत कॉम्प्लेक्स दे रहा है। तुम यहां कैसे? शायद तुमसे मिलने। अकेली आई हो? नानी साथ में है, पापा नहीं आए। मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैंने तो नहीं पूछा, मेरे हाथों को देख रहे थे तो सोचा शायद शादी की रिंग ढूंढ रहे हो। कैसे हो तुम? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूं। बहुत नाराज हो? नहीं। देखो प्रेम, हम शायद वो नहीं बन सके जो चाहते थे, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं। हमारी दोस्ती खत्म कब हुई? तुम्हें मेरी मजबूरी मालूम है, मैं बदली नहीं हूं। I still love you. जिस बात का कोई मतलब नहीं, उस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं। प्रेम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। क्या स्नैक्स ऑर्डर किया है, सॉलिड। ये प्रेम भाई कहाँ गया? चले गए, चलो हम भी चलते हैं। चलता है? ए जो, बैठ के रो। पता नहीं साला क्या लफड़ा हो गया, एक मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो गया। ये सोनिया मैम साहब का पैसा तो हमारा जेब में रह गया। ये गॉड भी ना हमको बार बार सोनिया मैम साहब के सामने लेकर जाता है। संभाल लेगा, आई एम योर बेबी। क्या बात है, तुम प्रेम से मिलने गई थी? हाँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नानी, उससे मिलने के बाद ही मैंने रियलाइज किया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नानी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। उसे भूल जाओ बेबी। भूल जाऊँ? कैसे भूल जाऊँ, मैं उसे नहीं भूल सकती। तुम्हें उससे अच्छे और मिल जाएंगे, एक से एक। क्या फांदा मार रही है यार?
तुम्हारे स्टेटस की, तुम्हारे स्टैंडर्ड की। स्टेटस क्या नैनी, उसका मिस्टेक यही है कि वो पुअर है, मुझे उसी से प्यार है। उससे मिलकर मुझे लाइफ की वो सारी खुशियां मिली जो मेरे रिच पापा मुझे नहीं दे सके। वो जैसा भी है मुझे प्यारा है। अपन भी सिर्फ आपको ही प्यार करता है। तुम सोच लो सोनिया, ये बात मैंने सुन ली ठीक है, कोई और सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ नथिंग कैन स्टॉप मी, मैं जब तक जीऊंगी उसी से प्यार करूंगी। अपन भी तेरे से ही प्यार करेंगे। कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में। दिल कहता है जाने जाना, हद से गुजर जाऊं प्यार में। कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे इस खुमार में, कहो तो जरा झूम लूं तुम्हारे इस खुमार में। दिल कहता है जाने जाना, हद से गुजर जाओ प्यार में। कहो तो जरा झूम लूं मचलती बहार में, रेशमी खुशबू चुरा लूं, इन लबों से शबनमी लाली उड़ा लूं। छोड़ो शर्म आए मैं क्या करूं, शर्माना क्या घबराना क्या, कुछ भी न अब इख्तियार में। तो जरा चूम लो मचलती बहार में। सपने लेके बैठी हूँ मैं इंतजार में।
तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में। कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा झूम लो तुम्हारे इस खुमार में। सोनिया, तुम्हें ये नंबर कहां से मिला? टोनी से। अच्छा वो तुमने फोन किया, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I'm sorry सोनिया, कल जो मैंने तुम्हें कुछ भला बुरा कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्रेम, तुमने जो कुछ किया, जो कहा, वो ठीक था। मुझे क्या हक है तुम्हारी लाइफ में फिर से आने का? मेरी लाइफ अब मेरी कहाँ रही? मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा को खुश रखने की कोशिश हम दोनों को इतना दुख दे जाएगी। प्रेम, मैं कल जा रही हूँ। अच्छा सोनिया। प्रेम मैं प्लीज, मगर कब तक? जब तक पॉसिबल हो प्लीज। ओके, आई लव यू सोनिया। मी टू प्रेम। तो हमें सामान फिर से खोलना पड़ेगा। हाँ, टाइम मिले तो ये सोच लेना कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या सोचेंगे। हद करता है मैडम, बगैर बताए चला गया। सुबह से वेट करते करते ये टाइम हो गया मालूम है। 8 लीटर पेट्रोल फूंक डाला हम, अभी थोड़ा देर और नहीं आता था हम पुलिस स्टेशन जाने वाला था। उधर डेस्क के ऊपर मैसेज छोड़ के जाने का ना, कितना हैरान हो गया मालूम। सॉरी टोनी, गलती हो गई। अभी सॉरी बोल के शर्मिंदा मत करो आप। आपको ऐसे बोलने का हक नहीं हमको, मगर आपको मालूम नहीं ऐसा हसीन चेहरा देखकर शरीफ आदमी भी बदमाश हो जाएगा मालूम। ठीक है, तो कल से जो काम होगा तुम्हारे परमिशन के साथ। ओके, मुझे कल पैराडाइज आइलैंड जाना है, तुम्हारे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बुलाया है। हाँ तो जाओ ना, जाओ। तुम साथ चलोगे? हाँ बोलेगा तो चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। तो ठीक है, कल पैराडाइज आइलैंड। ओके, हम छोड़ने आता है ना आपको, अंदर छोड़ने आता है। आओ आओ। अच्छा? चलो, हमारा कंपनी अच्छा नहीं लगता है क्या आपको? अरे टोनी, अच्छा हुआ तू यही मिल गया। मैं एक ड्रेस लाई हूँ, बताना कैसी है। ये देख। कितने का लिया? 900 रुपए का। क्यों? तो 50 रुपए जास्ती डालती तो नया मिलता था ना। मजाक मत कर यार टोनी, बता ना कैसी है। बोल तो रहा है, लग तो नया रहा है। लग नहीं रहा है। अच्छा सुन, इसे पहनकर हम कल पैराडाइज आइलैंड की पार्टी में चलेंगे। ओके, देख नीना, अपन तेरे साथ पैराडाइज आइलैंड की पार्टी में नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता? इसलिए कि अपन को टूरिस्ट लोगों को लेकर जाना पड़ता है, अपना काम है वो। के बेबी, टूरिस्ट लोगों को ले जाना पड़ता है या मैडम मीम सबको ले जाएगा? तो वो भी तो अपना टूरिस्ट है ना। देख नीना, मैडम मैम साहब इज माई वर्क एंड माई वर्क इज माई वर्शिप। हाय टोनी। हाय बड़ी, हाउ आर यू मैन? हे हाय, हाउ आर यू? हाय हाय।
Hi. Hello. It's okay. See you, bye. Hi. Hello. How are you? Kya haal hai, Gonsalves? How are you doing, man? I'm fine. He's a big shot, huh? He's a big shot. Hi, Rodrigues. He's a commissioner, huh? Hey, bossy. Hello, apna prem bhai apna. Hi, how are you, man? Hi, Tony boy. How are you doing, man? How are you doing, man? You're looking handsome, huh? You're looking handsome. क्या काम वाले भाई, तू क्या कर रही है यहाँ पे? ए टोनी, तू मेरे से ठीक से बात कर, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुझसे बुरा कोई भी नहीं है इस पार्टी में। अबे हट साले। ए टोनी, टेक इट इजी, रिलैक्स। गॉड यार, दिस इज वेरी बैड यार। दिस इज सोनिया, नीना। हाय नीना। जब मैं पार्टी के अंदर कचरा करती रहती है खुला खुला। ए चल ना टोनी, डांस करते हैं। क्या पागल हो गया क्या? तेरे साथ कौन डांस करेगा? पार्टी के अंदर कचरा करवाने क्या? जब देखो तो हाथ उठाती रहती। टोनी प्लीज, क्या पागल हो गया क्या? अरे तुम अरे क्या बात करता है मैडम साहब? अरे तुम्हारे लिए तो अपन तुम्हारे उंगली के इशारे पर डांस कर सकता है। अभी एक मिनट में आया। ऐसी भी जिंदगी भर इसी के उंगली के इशारे पर डांस करना आप उनको।
तेरे तेरे जैसा ना होगा कहीं ना हैया हो क्या मस्ती क्या जादू रोज कहाँ होती है दिल पर ऐसी मुलाकातें आंखों आंखों में कर ले आओ दिल की बातें क्या मस्ती क्या जादू मैं और तू क्या मस्ती क्या जादू क्या जादू क्या कर रही नीना नीना ए ए हश्या बुश्या ए सुना सुना बहुत दिखती है मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि नीना के बारे में आर्टिकल लिखी दूँ सुनिए यू नो ये बहुत कमाल की लड़की है इसने छोटी सी उम्र में अपने पैरों पर खड़े रहना सीख लिया कैफे चलाती है अकेले मैनेज करती है ना कमाल की बात अरे कोई कमाल का बात नहीं है पहले ही हाफ मैड है ये आर्टिकल के बाद में फुल मैड हो जाएंगी स्टार्ट हो गई स्टार्ट जिनकी उंगली पकड़ने वाला कोई ना हो उन्हें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ता है मेम साहब तुम्हारा कोई नहीं है माँ बाप भाई बहन कोई नहीं ये टोनी है ना ये मेरा पड़ोसी भी है और फ्रेंड भी और और बस रिस्पेक्ट दे रहा सब कुछ यही तो है ऑलवेज बचपन से लेकर आज तक इसी ने तो साथ दिया है मेरा और नहीं तो क्या करता मैम साहब अपन भी इसके माफी का नाते ना इसलिए इसका दर्द समझता है बचपन में अपन ने एक नाटक देखा था उसका एक डायलॉग अपने दिल को बहुत टच करता है एक तन्हाई दूसरी तन्हाई का साथ देती है बस एक दूसरे का साथ देते देते अभी याद अलग आ गए अब देखो आगे और कहाँ जाते I'm very impressed, seriously. मगर आजकल साला इसका बड़ा टेंशन हो गया अपने को क्या टेंशन अरे क्या अभी यंग हो गई है ऊपर से ब्यूटीफुल है मैं सोच रहा इसका शादी करके इसका सेटिंग करके इसको साइड में कर डालूं ये देखा प्रेम भाई ये देखा साला अपन सारी दुनिया को समझा सकता है लेकिन इसको समझ नहीं सकता है एक मिनट अभी आ रहा है टेंशन हो गया है साला हे हे यू बास्केट ऑफ फ्लावर हे माय ब्यूटी हे फेनी कुछ नोटिस किया प्रेम हाँ किया लड़की प्यार कर रही है और लड़का नहीं समझ पा रहा ऐसा क्यों होता है प्रेम हर लव स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों आ जाती है शायद ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है कि प्यार सच्चा है या नहीं और जो टेस्ट में पास हो जाते हैं तो मिल जाते हैं लेकिन बहुत मजा आया मजा बोला तो मजा का बाप आ गया मेम साहब थैंक यू टोनी आज अपन को भी बहुत धमाल हो गया मेम साहब अपने लाइफ में इतना गाइडगिरी किया लेकिन एक साथ इतना तारा कभी देखने को ही नहीं मिला माँ क्या फोड़ डाला आई एम सॉरी अच्छा चलता है टोनी हाँ बोलो मुझे तुमसे कुछ कहना है हाँ तो चलो ना ये अकेले में क्या बोलने वाला है बैठो वो बैठो ना नहीं वो कुर्सी गीला हो जाएगा ना कोई बात नहीं बैठ जाता है टोनी यस यस तुमने कभी किसी से लव प्यार किया है अब उनका फ्रेंड लोग बहुत बहुत बार किया है मगर अपना अभी क्या है ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है जानती थी मगर तुम्हें मालूम है कि लव में क्या फीलिंग होता है हाँ मालूम तो पड़ता है ना ऐसे देखो ही तो ही मालूम पड़ जाता है
तो अगर किसी लड़की को लव है तुम इसे पहचानोगे? कैसे नहीं पहचानेगा? तो फिर पहचानो, पहचानो टोनी, लड़की लव में। हाय को हम बोलेगा नहीं किसी को, मगर उस लड़की को तो बताओ। क्या? आई लव यू। बोल दो। हाँ। पक्का बोल दो? बोलो टोनी। हमको शर्म आता है। इट्स वेरी सिंपल टोनी, आई लव यू। अपन क्या आज तक बोला नहीं ना किसी को? बोलता है आई लव यू। यस यस टोनी, दैट्स इट। यस। तुमने कह दिया मैम साहब। हाँ, अपन चले। गुड नाइट टोनी। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। तो जरा झूम लो मचलती बहार में, कहो तो जरा झूम लो मचलती बहार में। दिल कहता है जाने जाना, हद से गुजर जाऊं प्यार में। ये टोनी का और ये मेरा। हे नीना। टोनी, ये क्या अकेला अकेला तुम ऐश कर रहे हैं? हाँ, कैंडल लगा हुआ है, कैसल बना हुआ है। हे ये दूसरा ग्लास किसके लिए है? जिसे मैं प्यार करती हूँ। कौन बदनसीब है जो तेरे से प्यार करता है? ए टोनी, उसे अगर बुरा कहना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये तू सीरियस है क्या? बिल्कुल। तो बहुत प्यार करती है। बहुत। आई लव यू बोला? अरे स्टुपिड यू आर यार, स्टुपिड। आई लव यू तो साला पहले बोल डालने का। मालूम है जब जिंदगी में पहली बार कोई किसी को आई लव यू बोलता है ना, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि एक बोतल दारू आंग के अंदर घुस गया हो, और दारू भी ऐसा जिसमें मिठास भी है और नशा भी। हाँ टोनी, प्यार में ऐसा ही होता है। मेरे को तो मेरे कान पे भरोसा नहीं होता यार, जिस तरह से उसने मेरे को आई लव यू बोल डाला। उसने किसने? अरे मैडम मैम साहब ने यार, मैडम मैम साहब ने। अरे आज तक अपुन सोचता था कि अपुन अकेला उससे प्यार करता है, लेकिन आज पहली बार मालूम पड़ा कि आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। ये आग होती है ऐसी है, सब कुछ जला देती है। फर्क बस इतना है कि कहीं दिखाई देती है और कहीं नहीं दिखाई देती।
तू तो बहुत समझदारी का बात कर रहा है यार। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स टू सोनिया। ये हैव इट। ए, तू पी क्यों नहीं रहा? वो क्या है कि मेरे साथ पीने वाला शायद रास्ता भूल गया है। रास्ता भूल गया तो आ जाएगा यार, कहाँ जाएगा? अगर तेरे प्यार में सच्चाई है ना तो सारा देर से आएगा, लेकिन सारा आएगा ना। कम ऑन, कम ऑन, चीयर्स, चीयर्स फॉर सोनिया। कम ऑन, कम ऑन, चीयर्स फॉर योर लव मैन। हैव इट, हैव इट। हेलो सोनिया, क्या कर रही हो? सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं मदद करूँ? करो। किसी ऐसे आदमी के साथ दिन गुजारूँ जो रातें तुम्हारी याद में गुजारता हो? आइडिया अच्छा है, मगर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूँ ऐसे आदमी को। रियली? और उसका नाम क्या है? प्रेम। ओके, बीच पर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। बाय। यूहू, सोनिया। पापा, आप? या वोल माय बेबी, आर यू नॉट हैप्पी टू सी मी? नो पापा, आई एम वेरी हैप्पी। पर वो अचानक आपको देखा तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। माय डार्लिंग गर्ल, तुम्हारे बिना दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आया। That's why I'm here. How do you like Madagascar? How do you like India? बहुत अच्छा पापा, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, just wonderfully warm. अब हम तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं करने देगा। We will do everything together. फूल देगा हम मैडम साहब को, फूल देगा उसके बदले में, मैडम साहब को किस देगा और उसके बदले में हम एक और किस दे देगा। लगता ना रहा है। यस यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वन मसाला टी विद चार खारी बिस्किट प्लीज। नो नो नो, नाइन नाइन। हु आर यू एंड व्हाई यू आर हियर? व्हाई यू आर हियर? नो, हु आर यू? आई एम मी। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? हेल मतलब जानो। ए, तू पीसो ना तला मरे। Who let you in here? तारो माथो फिर हो गया छे के? What? ए डोकरे यार, तू तो फाड़ डाला है। What is that? ओ यार, मैं सुनी जा रहा है तो तू बोली जा रहा है यार। ओ यार, मैं सुन रहा है, यार मैं सुन रहा रे। पढ़ पढ़ पढ़। What are you saying? ए? ए तुम ही एक टू। नहीं, I understand nothing. तुम ही एक टू पागल। Look, you get out of here. I'll call the security guard now. अरे अभी तक मालगा के अंदर टोनी को इडियट बोलने का किसी के अंदर ताकत नहीं है। You idiot, I don't care. You get out of here or I will call the security guard. Security guard? Yes. उसको हम 20 रुपए देंगे, वो खिड़की से भाग जाएगा। तो? तुम नहीं जानता हम कौन है? तुम कौन है? हम ambassador of Austria. हम Mercedes of India. Mercedes of India? Yes. You idiot. You get out of here, you stupid idiot! तुम बुजुर्ग आदमी है इसलिए हम तुमको stupid और idiot बोलता नहीं है, तो इसलिए तुम चढ़ता जा रहा क्या हमारे सर के ऊपर? तो क्या? What is this? What is this? This is comedy का piece. Then what you want? What you want, यार? I want you to get out of here. I want you to get out from there. Where? There, खिड़की. No, खिड़की. What is खिड़की? खिड़की is खिड़की, गोल खिड़की. Stupid man. क्या बड़ा है इसलिए ऐसा बार-बार बोलता है? हाँ बोलता है. अभी तुमको हम पकड़ लेगा ना? क्या करेगा तुम? पकड़ लूँगा अभी. हाँ. देखा बाद में. तुम्हारा नाक पकड़ेगा हम। हाथ नहीं टोनी को, हाथ नहीं लगाने का। क्यों? Why? No one can touch Tony Gonsalves. He's a too much of a man. But I am touching you now. ऐसा टच करेगा तो हम ही टच कर सकता है, इसमें क्या है? What is that? I want you to get out now. Even I want you to get out now. Where? Out. This is my place. This is my place. So what are you going to do? So what are you going to do? I'm going to like touch you, like this touch you, like I touch you. Even I can touch you, I can touch you, I can touch you. You are an Indian. You are not only an idiot, you are a swine hunt. I'm not a swine. I want you out of here. No. I Tony. Want you yes. Out of here now. मर्द की बात चल रही है, तुम औरतों का काम नहीं है, तुम जाओ आराम से बाथरूम में ना। But Tony. No. Tony. No. Papa. Papa. पापा, टोनी,
टोनी गाइड मालगा दिखाने वाला ही इज ऑलवेज सो हैप्पी अ जेंटलमैन आई एम अ जेंटलमैन पापा ओ पापा फॉरगिव मी प्लीज पापा ही इज अपोलोजाइजिंग प्लीज फॉरगिव मी ही सॉरी पागल है तू पापा पापा तू पागल है यू नो टोनी आई एम टोनी आई एम टोनी पापा डोंट वरी पापा संभालो पापा पापा माय डार्लिंग पापा पापा ओ माय पापा प्लीज पापा पापा डोंट वरी आई आस्क हिम टू लीव टोनी इंडिया गेट आउट Get the hell out of here, you Schweinhund! Yeah? May I speak to Sonia, please? Who is calling? Prem. Prem? तो ये रीजन थी तुम्हारे इंडिया आने की प्रेम नहीं पापा मैं प्रेम से मिलने इंडिया नहीं आई थी मैं तो मम्मी की ग्रेव देखने आई थी मुझे मालूम ही नहीं था कि प्रेम यहाँ है बस अचानक यहाँ मिल गया श्योर आई अंडरस्टैंड एक लड़की वियना से निकलती है सिंगापुर जाने के लिए बॉम्बे में उतर जाती है वहां से मेलगा आइलैंड जाती है जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और इतने बहुत से लोगों में से सिर्फ एक आदमी वही मिलता है जिसे मिलना नहीं चाहिए था यू वॉन्ट मी टू बिलीव दिस स्टोरी अब नानी से पूछ लीजिए ये सच है नो माय डियर सच तो ये है कि तुम अपने पापा को धोखा देकर प्रेम से मिलने यहाँ आई थी और तुम्हें उम्मीद थी कि मुझे मालूम नहीं होगा मगर मैं यहाँ आ गया और तुम्हारा झूठ पकड़ा गया पापा प्लीज बिलीव मी आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती तुम झूठ बोल सकती हो क्योंकि तुम में उस झूठी इंडियन औरत का खून भी है जो तुम्हारी माँ थी जब माँ झूठ बोल सकती है तो बेटी क्यों नहीं पापा डोंट शाउट तुम्हें जो करना था वो कर लिया अब जाकर तैयार हो जाओ वी आर गोइंग बैक टू वियना प्रेम सोनिया वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूं ये मेरी कहानी नहीं है जिसका अंत मैं खुद लिख सकूं इस जिंदगी की कहानी किसी और ने लिखी है जिसके सिर्फ दो ही पन्ने हैं पहला और आखिरी कुछ कहानियां बहुत छोटी होती है मैं इस बारे में मैंने कहा ना किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मैं इस कहानी के अंत को कबूल कर चुका हूं आई एम सॉरी प्रेम कब जा रही हो परसों तुम तो नहीं रुक सकती मगर ये वक्त तो रुक सकता है टोनी तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो आई मीन तुम्हारे प्रोफेशन में स्पेशली गाइड की लाइफ में तो लोग आते जाते ही है ना शहर में लोग आता जाता है टोनी गाइड के लाइफ में नहीं आई अंडरस्टैंड मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ लेकिन यहाँ रुक भी तो नहीं सकती और रुकूं भी तो कितने दिन एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना तुम बिल्कुल ठीक बोल रहा है मैडम साहब तुम हमारे लिए मत रुको लेकिन तुम चला जाएगा उसके बाद हम भी ये शहर छोड़कर चला जाएगा क्या है कि ये शहर हमको काटने को दौड़ेगा तुम जाएगा तो हमको हर जगह तुम्हारा ही याद आएगा मगर ये समझ में नहीं आता है कि हम ये शहर छोड़कर जाए भी तो जाए कहां टोनी क्या है एक जगह जा सकते हो कहां वियना तुम्हारे साथ एक बात पूछे बुरा तो नहीं मानेगा वो तुम्हारे खड़ूस बाप का क्या करेगा उन्हें मैं समझाऊंगी वो कौन है हा?
टोनी तुम्हारे पास पासपोर्ट है? हाँ है ना, दुबई जाने के लिए निकाला था तो उसे कल ही होटल में छोड़ वीजा नहीं ना, लेकिन वो सब मैं संभालूंगी ना। मैडम से एक बात पूछे। हाँ तुम हमको टेस्ट करा था ना? नहीं टोनी, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। तुम हमको टेस्ट कर रहा था। मैडम साहब, बूम बूम बूम। जरा ठीक से, जरा ठीक से, जरा ठीक से तय करना। ये नहीं तर 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 पड़ा तर 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 पर तर पगा तर 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 पर पर तर तर। साला अपने को तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि सपना चल रहा है कि जिंदगी चल रही है। अरे कहाँ अपने एक मामूली गाइड और वो कहाँ इतनी बड़ी प्रिंसेस। लेकिन एक बात है यानी ना, अपने को ज्योतिष वाली बुड्ढी ने कांच के गोले के अंदर देख के बोला था कि तेरा लाइफ के अंदर एक प्रिंसेस आएगी जिसे तेरे को बहुत प्यार हो जाएगा और वो दूर कहीं तेरे को लेकर चली जाएंगी। है ना परियों वाली कहानी। अरे नीना तू रो रही है? उठ 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 जल्दी उठ, चल इधर 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 चल, चला बैठ बैठ बैठ। तू पक्की इडियट है यार। तू क्या सोचती है क्या मैं तेरे को छोड़कर चला जाऊंगा तो तेरे को भूल जाऊंगा क्या? अरे क्या मेरे को मालूम नहीं है क्या कहा दुनिया के अंदर मैडम मैम साहब के पास अगर अपने को कोई प्यार करता है तो सिर्फ नीना। अरे अपन उधर पहुंचते ही सबसे पहले मैडम मैम साहब को बोलेगा कि ताबड़तोब एक फर्स्ट क्लास नौकरी का बंदोबस्त करके दो और अपन तेरे को उधर बुला लेंगे। जब तक चार गाली तेरे को नहीं मारेगा ना तब तक साला अपना भी पेट भरने वाला नहीं है। एक तो खोली भी तेरे नाम पे करके जा रहा है फिर भी तू रो रही है। देख तू रो मत नींद, तू रो मत, तू रोती है ना तो मेरे को इधर कुछ होता है। प्लीज मैं जानती हूँ टोनी मुझसे प्यार नहीं करता, उसने तो मुझे गौर से देखा भी नहीं। पहले इसलिए नहीं देखा कि जो चीज हर टाइम सामने हो उसे ध्यान से कौन देखेगा, और दूसरी बात सोनिया हम दोनों के बीच आ गई। मगर मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि उसका सुख और उसकी खुशी में ही मेरा सुख और मेरी खुशी है, और उसके सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन। टोनी आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। सर लगेज भिजवा दिया है। ओके बट वेयर सोनिया, सोनिया कहां गई? 12 बजे की फ्लाइट है। मैं देखती हूँ सर। प्लीज जेनिफर कौन थी तुम्हारी? माँ। तो तुम मिस्टर हाइंस की बेटी हो? जी। ओह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। तुमने उसको जाने क्यों दिया? Why? Why? Why didn't you tell her that I would be late? मैं लेट हो जाऊंगा।
Why did you let her go? वो गई कहाँ? सोनिया। Oh my God! तुम कहाँ चली गई थीं? We are getting late. पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। The flight is taking off. Get inside. But Papa, please. Tony can go to hell. Get inside. Come on. Na 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 na. पासपोर्ट तो नहीं भूल गया? अरे हाँ मिल गया। मुझे माफ कर देना टोनी, मुझसे भूल हो गई। रेत के घर बनाते बनाते मैं भूल गई थी कि उन घरों के सामने बैठकर सपने देखे जा सकते, उम्मीद के कैंडल भी जलाए जा सकते, लेकिन उन घरों में रहा नहीं जा सकता। तुम बहुत लकी है टोनी, तूने जो मांगा वो तुझे मिला, जिसे प्यार किया वो तेरे साथ है। मैं मालिका के हर चर्च में जाकर तुम्हारे लिए कैंडल जलाऊंगी, प्रे करूंगी। तुम खुश रहना टोनी, मेरी चिंता मत करना। तुम हंसना, गाना, नाचना, मेरी चिंता मत करना। मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लूंगी टोनी, मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चेक इन करना है। मैडम, मैम साहब, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। व्हाट? हम नहीं जाएंगे आपके साथ। कल तक तो जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे तुम। कल तक हम सिर्फ अपना सुख के बारे में सोच रहा था ना, इसलिए दुनिया का कोई दूसरा चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज हमने वो देखा जो हमको बहुत साल पहले देख लेना चाहिए था। टोनी। मैडम, मैम साहब, हमको मालूम है कि आप हमको बहुत प्यार करता है, बहुत जास्ती प्यार करता है। हमसे शादी बनाने के लिए आप अपने बाप को भी राजी कर लेना। लेकिन मैडम साहब सुनो, हमको मालूम है आप हमको दुनिया की हर खुशी दे सकता है, दौलत, प्यार, सुख, मगर ऐसे सुख का क्या फायदा जो किसी और का दुख बन जाए। वो नीना है ना मैडम साहब, वो हम चला जाएगा ना तो उसका कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, वो बहुत अकेला हो जाएगा। नीना, हम समझ रहे हैं मैडम साहब, आप सोच रहा होगा कि अचानक हम दोनों का प्यार के बीच में ये नीना कहाँ से आ गया, मगर नीना बीच में नहीं आया मैडम साहब, वो तो बेचारा पहले से ही था। वो हमको बहुत प्यार करता है मैडम साहब, और हमको आज ही मालूम पड़ा कि उसका दुनिया हमसे शुरू होता है और हम पर ही खत्म हो जाता है। हम चले जाएंगे तो वो मर जाएगा बेचारा, वो पक्का मर जाएगा। हमको तो बस इतना ही मालूम है कि इस दुनिया के अंदर अपने प्यार का गला घुटना बहुत मुश्किल है, मगर जो आदमी अपन को प्यार करता है उसका दिल तोड़ना बहुत पाप है, और ये पाप टोनी नहीं करेगा। मैडम साहब, आप हमको माफ कर दो प्लीज। सॉरी। Sonia, my darling, when are we going? Where is that mad Albella boy of yours? चला गया। मुझे मालूम था कि यही होगा। ये लोग अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते। उसे हमारी नौकरी से कोई अच्छी नौकरी मिल गई होगी तो वो चला गया। लालची, बदमाश। जी नहीं पापा, वो लालची बदमाश हिंदुस्तानी आपकी बेटी को रिजेक्ट करके चला गया। What nonsense! ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरी बातों और मेरे बर्ताव से उसे लगने लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और वियना जाके उसे शादी करना चाहती हूँ। That scoundrel! How dare he! पापा, टोनी गरीब जरूर है मगर उसका सपना एक बहुत बड़ा आदमी बनने का था और उसने उस सपने को बीच में ही तोड़ दिया, इसलिए कि उसने नीना के प्यार को पहचाना और वो मुझे आपकी दौलत और साहब बनने का सपना सबको ठुकरा के चला गया। और मैंने जो सपना देखा था वो सिर्फ आपकी इज्जत और आपके प्यार के लिए फिर से तोड़ दिया। वो सपना नहीं था पापा, प्यार था, सच्चा प्यार।
जिसे मैं आज समझी हूँ। पापा, आपने मुझे आपके प्यार के साथ जिंदगी की हर खुशी दी और आज मैं आपसे अपना प्यार मांगती हूँ। प्रेम, प्रेम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। नाइन, मैं तुम्हें उस जलील जर्नलिस्ट से नहीं मिलने दूंगा। वो हिंदुस्तानी है, he's an Indian। वो तुम्हें धोखा दे देगा जैसे तुम्हारी माँ हमें धोखा देकर चली गई। मेरी माँ ने आपको कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसलिए वो अकेली मालका चली आई सिर्फ आपको और मुझे जिंदा रखने के लिए। जिस देश में प्यार का दूसरा नाम त्याग हो, वहां की औरत धोखेबाज कैसे हो सकती है? पापा, पापा, इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत ही कर सकती है। पापा, ये वो लेटर्स हैं जो मम्मी ने आपको लिखे थे लेकिन कभी पोस्ट नहीं किए। थैंक यू, मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगूंगा। एंड यू गो टू प्रेम। थैंक यू पापा। आई एम सॉरी। थैंक यू। टोनी, तेरे को याद है मैंने कहा था कि अगर तेरा प्यार सच्चा होएगा तो तेरे पास जरूर लौट कर आएगा। देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर। देख, मैं आ गया। तुम भी तो खाओ ना टोनी। अपन ने सोचा है कि पहले अपन लोगों को खिलाएंगे उसके बाद में अपन खाएंगे। तेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। खा। शिट, ओह शिट, ये सुनिया मैम साहब मेरे को फॉलो करते करते यहाँ भी आ गई। अरे हाँ, इसको जाना था ना अपने बाप के साथ, गई नहीं। कैसे जाती, उसका दिल तो यहाँ था। कितना हर्ट किया मैंने इसको। हाँ। पेल लग रही है, चेहरा भी उतर गया। इतना खूबसूरत चेहरा, क्या हाल हो गया। बेचारी कोशिश कर रही है हंसने की, हो नहीं रहा, निकल नहीं रहा है। कोई हर्ज नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। प्यार में ऐसे क्या करे, अपन तो एक ही है ना बॉस। कहा? डोंट वरी टोनी, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो देखो टोनी बैठा है, उसे जाकर थैंक यू बोले। अगर वो नहीं होता तो शायद हम कभी मिल नहीं पाते, और वैसे भी वो बात क्लियर। कुछ मत कहो, उसे यही समझने दो कि दूर देश से एक राजकुमारी आई थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, और उसने एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए उस राजकुमारी को छोड़ दिया। कुछ ख्वाब इतने खूबसूरत होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो दिल टूट जाते हैं। I love you, Prem. I love you too. प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला, मैं दीवाना। है बड़ा पागल न तूने इतना जाना, तू अलबेला, तू मस्ताना। प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला, मैं दीवाना। है बड़ा पागल न तूने इतना जाना, तू अलबेला, तू मस्ताना। अरे प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना, मैं अलबेला, मैं दीवाना।
पल कहीं ना चैन था जरा।